हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EduChem लाइव क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में जो हीट और टेम्परेचर है उसको हमने डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस हीट के बारे में। दैट मीन्स आपको बताया कि हीट को कैसे स्टडी करते हैं, आपको बताया है थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऊष्मा गति की, यानी ऊष्मा कैसे गति करती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऊष्मा गति की, कहने का मतलब ऊष्मा गति कैसे करती है, किधर साइड करती है, किसके कारण करती है, इसके बारे में सारे क्वेश्चन अपने पास आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्या पता कोई क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है उसके अंदर से, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं, देखो आज का सेशन में पहला क्वेश्चन अपना क्या है, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका इसके ऊपर आ गया, ऊष्मा गति की या ताप गति की, एक ही बात है। ताप गति की का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? देखो किसी भी चीज का प्रथम नियम जो होता है वो अमूमन ऐसा ही होता है कि कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का, और किसका संरक्षण? ऑब्वियस है, एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। दैट मींस चाहे आप न्यूटन लॉज की बात करें, चाहे आप ऊष्मा गति की यानी कि इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, पहला नियम यही कहेगा कि ऊष्मा संरक्षित रहती है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित होता है? ऑप्शन अपने पास कोई भी हो, लेकिन इसके पास इसमें हमारा एक ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ठीक है। आपको बताया है कि जो ऊष्मा गति की है यानी ऊष्मा का गति करने का जो तरह से जो ट्रेंड है उसका जो प्रथम नियम है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम, वो किसके कंजर्वेशन पे है? वो आपका डिपेंडेंट है एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। और ऊर्जा का संरक्षण का मतलब क्या है? ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है, लेकिन न तो आपका बनती है न आपकी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, आपका ऊष्मा गति का प्रथम नियम यह कहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और देखो एक बात और यहां पे मैं आपको बता देता हूं, सेकंड क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको बता देता हूं एक बात और। देखो सिस्टम क्या होता है, पहली बात है कि सिस्टम क्या होता है, आपको बता दूं सिस्टम मान लो कोई भी थिंग जिसपे आप वर्क करते हैं या फिर खुद वर्क करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, ठीक है, कोई मशीन होती है वो सिस्टम है। दैट मीन्स मान लो ये कोई सिस्टम है, आपने इसको कोई एनर्जी दी, मान लो क्यू एनर्जी दी आपने, ठीक है, इस पे आपने कोई वर्क किया, वर्क करने में मान लो इसने कुछ काम कर लिया W, और W काम कर लिया तो कुछ एनर्जी तो इसने W में काम कर ली, और कुछ जो बचेगी, बच रही है तो बोल रहा हूं, यदि बच रही है तो वो अपने आप में स्टोर कर लेगा। दैट मीन उसको रिप्रेजेंट करता हूं यू से। तो फॉर्मूला बनेगा जितनी एनर्जी आपने दी वो किस में चेंज हुई, या तो उसने वर्क कर लिया या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में सेव हो गई। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का जो कथन है वो ये है, आपने सिस्टम पे कुछ वर्क किया, मतलब आपने उसको एनर्जी दी, उष्मा दी, उसने कुछ वर्क कर लिया, यदि किया तो, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी दी हुई उष्मा दो पार्ट में विभाजित होती है, कुछ पार्ट वर्क में और कुछ पार्ट आपकी इंटरनल एनर्जी में यानी आंतरिक ऊर्जा में सेव हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि आपने इसको कोई एनर्जी दी तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसके वर्क करने पर, और वर्क करने के बाद में यदि कुछ बचता है तो उसकी अंदर एनर्जी सेव हो जाती है। उनका मतलब है चाहे तो वो बाद में वर्क कर सकता है उससे, समझ में आ गया। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम का कथन क्या है, Q equals to W plus U, U क्या है आपकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। एक्चुअली आपको कहना क्या है इसके अंदर, आपको बताया कि हीट जो आपकी सनलाइट आती है, जो आपकी सनलाइट आती है सन से, सूर्य से, वो आपके शरीर पर पड़ती है, आपके कपड़ों में पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन है कि काले कपड़े होते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यह पूछा है। मतलब आपको कंसेप्ट पता करना है कि जो ब्लैक और व्हाइट है उसका, ध्यान देना कि जो हीट सनलाइट आती है अपने पास, जो आपका ब्लैक है, तो ब्लैक क्लोथ होता है एक आपका व्हाइट, तो जो ब्लैक होता है वो सारी की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रखता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता। दैट मीन्स कि मान लो आपका कुछ ब्लैक कॉटन है, कुछ भी है ब्लैक, है ना, वो जितनी भी एनर्जी आएगी उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, उसको बाहर नहीं निकालेगा। अब सारी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपका व्हाइट वाला होता है वो क्या करेगा, देखो व्हाइट और ब्लैक कलर क्या होते हैं, आपको बताया व्हाइट और ब्लैक कलर क्या होते हैं, और कलर अपने को दिखता क्यों है, कलर जो कलर हमको जिस वस्तु का दिखता है, मान लो मुझे कोई वस्तु रेड दिख रही है, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ सात कलर में से रेड को बाहर निकाल रही है, रेड को परावर्तित कर रही है, और वो मेरी रेटिना पे एक तरह से इमेज बना रहा है, समझ में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट और ब्लैक का क्या कंसेप्ट है। ब्लैक का मतलब ये होता है कि वो वस्तु ब्लैक तब दिखेगी जब उसने सारे सारे कलर्स का, सात कलर आते हैं सनलाइट से, सारे सारे कलर का अब्सॉर्प्शन कर लिया, यानी एक भी कलर को बाहर नहीं निकाला, समझ में आ गया।
मतलब कोई वस्तु ब्लैक कब दिखती है, जब वो सातों कलर का अब्सॉर्प्शन कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अब सातों कलर को अब्सॉर्ब कर लिया मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी मतलब हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ब्लैक वाली ज्यादा आपकी क्या होती है, गर्म होती है। अब बात करते हैं व्हाइट की, तो व्हाइट जो कलर आपके कोई वस्तु का दिखता है, दैट मीन्स उसने सात कलर के अंदर से किसी का भी अब्सॉर्प्शन नहीं किया, किसी को अपने अंदर नहीं लिया, और सातों के सातों कलर को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, और सात कलर जब मिक्स होकर आएंगे तो आपको पता कैसा दिखेंगे, बिल्कुल व्हाइट दिखेंगे। कहने का मतलब जो व्हाइट आपकी वस्तु होती है वो किसी कलर का अब्सॉर्प्शन नहीं करती, किसी भी तरह को एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेती है, तो वो रहेगी आपकी ठंडी और ब्लैक रहेगी गर्म। तो क्वेश्चन पूछा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, उनके पास किसके पास, व्हाइट के पास में, व्हाइट के पास में जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। समझ में आ गया, अब जब प्रकाश को परावर्तित कर दिया दैट मीन उसने अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं किया, अब्सॉर्ब नहीं किया मतलब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसलिए व्हाइट कपड़े ज्यादा ठंडे होते हैं और ब्लैक आपके ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या आपको पता चल गया कि व्हाइट जो होते हैं वो कोल्ड क्यों होते हैं, ठंडे क्यों रहते हैं, कूलर क्यों होते हैं, आपको पता है क्योंकि वो जो भी प्रकाश होता है उसका रिफ्लेक्शन कर देते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप में अब्सॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका व्हाइट कलर, एक तरह से रिफ्लेक्शन कर देते हैं, तो आपके कूलर होते हैं। ठीक है, नंबर थ्री, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, और यहां पे ऑप्शन को देखूंगा मैं, ऑप्शन में दिया गया है कि आपको उष्मा की अच्छी परावर्तक मतलब गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, उष्मा की गैर अवशोषक यानी बैड रिफ्लेक्टर ऑफ, बैड अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी अर्थ होती है, ठीक है, आपकी जो पृथ्वी होती है वो आपका बैड होती है, दोनों तरीके से, बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड आपकी अब्सॉर्बर। कहने का मतलब है कि न तो वो अच्छी अवशोषक है और न अच्छी परावर्तक है, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, न तो अच्छी परावर्तक है, बैड दोनों में, दोनों के लिए मैंने बैड लगाया है, और न आपकी अच्छी अवशोषक है, न आपकी हीट को अच्छे से अवशोषण करती है यानी उसको अपने अंदर लेती है, और न उसको परावर्तित करती है, मतलब इनके बीच का काम होता है, कुछ अब्सॉर्ब भी होता है कुछ आपका रिफ्लेक्ट भी होता है, बीच का काम, न तो प्योरली उसको रिफ्लेक्ट करती है न प्योरली उसको अब्सॉर्ब करती है, बीच का काम होता है, कभी कभार रिफ्लेक्ट भी हो जाता है और कभी कभार अब्सॉर्ब भी हो जाता है, तो जाएगा बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड अब्सॉर्बर, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। उष्मा की खराब अवशोषक और खराब आपकी विकिरक, विकिरक मतलब रिफ्लेक्ट कर देना, विकिरण आई टकरा के वापस चली गई, आपने रेडिएट कर दिया उसको, रिफ्लेक्ट कर दिया, और आते ही उसके अंदर अब्सॉर्ब हो गई, आपने अवशोषण कर लिया। तो पृथ्वी है वो उष्मा की आपकी खराब तो अवशोषक है और खराब ही आपकी क्या हो जाएगी, विकिरक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपना दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर किस पर करती है, दो निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उनके बीच में यदि हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन से निकाय से कौन से निकाय की तरफ होगा, एक इस पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन अपने पास, उनकी विशेष ऊष्मा पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट, एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, एक किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मुला बताया था, साथ में आपको यह बताया था कि उसकी आपकी यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी एंड केल्विन। ठीक है, ये होती है, केल्विन क्यों है आपको पता है, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, तो आपकी विशिष्ट उष्मा तो नहीं होती। दूसरा अपने पास उनकी गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है उनके अपने अपने तापमान पे, ध्यान देना हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि उनका तापमान कितना है, जिसका तापमान ज्यादा वहां से हीट चलेगी और जिसका तापमान कम वहां पर जाएगी, यानी कि उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट का फ्लो होता है, यदि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है हीट का फ्लो नहीं होगा, चाहे उनका मास कुछ भी हो। देखो एक ऑप्शन देखते हैं, एक मान लो मेरे पास ब्लॉक है एम मास का, और मान लो कि एम की जगह मैं लिख देता हूं एक केजी का, ठीक है, एक ब्लॉक इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, यह ब्लॉक आपका 10 केजी का है, ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस 10 केजी ब्लॉक वाले का, और इसका 1 केजी वाले का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुझे बताओ कि हीट का फ्लो किधर होगा। अब आप ऐसे बताओगे क्या कि मास उसका ज्यादा तो इधर होगा, मास से कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान कितना भी हो कितना भी ज्यादा हो चाहे वो 1000 केजी क्यों ना हो, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये वाला हीट देगा इसको, सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उससे जाएगा लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस।
हीट ट्रांसफर आपका जो होता है एस टी लिख रहा हूं मैं, वो प्रोपोर्शन लिख देता हूं कि डिपेंड करता है कि किस पे, सिर्फ डेल्टा टी पे, यानी कि आपका किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे। हालांकि फिर भी आप कहेंगे सर इसके फॉर्मूला में क्या आता है, एम एस डेल्टा टी आता है, तो इनका एम का और एस पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल करता है, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है ट्रांसफर का, वो आपका डेल्टा टी है। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो एम एस क्या कर लेंगे, एम एस कुछ नहीं कर सकते। यदि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, मान लो इसका 5 है, इसका भी 5 है, मतलब दोनों का आपका 10-10 हो गया मान लो, तो जब इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो एम और एस क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सोलरली डिपेंड किस पे करता है, आपका हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर डिफरेंस पे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, एक श्वेत यानी व्हाइट और चिकनी यानी स्मूथ, व्हाइट और जो स्मूथ आपकी सरफेस होती है वो क्या होती है, और अपने को पूछा यही है कि अब्जॉर्बर या फिर रिफ्लेक्टर। ध्यान देना, व्हाइट के बारे में आपको बता देता, व्हाइट के बारे में, व्हाइट क्या होते हैं, वो आपके रिफ्लेक्टर होते हैं, किसी भी प्रकाश को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करते, जितना प्रकाश इनके ऊपर आएगा सबको रिफ्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया। और ऐसा ही काम किसका होता है, जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है। देखो आपका जो मिरर होता है, मिरर वो आपको क्या होता है, जितनी भी आपकी एनर्जी आती है चली जाती है बाहर, है ना। तो जो स्मूथ सरफेस होती है वो आपकी एक तरह से गुड रिफ्लेक्टर होती है। दैट मींस आपको पूछा है इसके अंदर कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप की खराब तो अवशोषक और अच्छी प्रावर्तक, यानी कि बैड अब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, मैंने बोला है कि जो आपकी स्मूथ एंड जो व्हाइट सरफेस होती है, स्मूथ एंड व्हाइट, वो कैसी होती है आपकी, अब्जॉर्ब तो बिल्कुल नहीं करती या फिर कम करती, बहुत कम करती है, तो बैड अब्जॉर्बर। समझ में आ गया, बैड अब्जॉर्बर, लेकिन रिफ्लेक्ट कंप्लीट कर देती है, जब अब्जॉर्ब नहीं करती तो रिफ्लेक्ट तो पूरा करेगी, दैट मींस गुड रिफ्लेक्टर। समझ में आ गया भाई, आपको सारी चीजें कंसेप्ट वाइज समझा रहा हूं मैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन लिखा आंसर लिख दिया और रट लेना इसको। कंसेप्ट क्या है, व्हाइट वाला कभी भी अपने अंदर लेगा ही नहीं, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। और ऐसा ही किस्सा किसके साथ में है, आपकी स्मूथ सरफेस के साथ में होता है। ध्यान देना, मान लो आपके पास को दो सरफेस है, एक स्मूथ है और एक आपके ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यदि इन दोनों के ऊपर एक ही लाइट पड़ रही है तो बताओ कौन सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा इस उबड़ खाबड़ वाली का, रफ वाली का। क्यों, क्योंकि ये जो होती है ये अब्जॉर्ब कर लेगी कुछ पार्ट एनर्जी का, और ये बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट कर देती है। दैट मींस इसने अपने अंदर कोई एनर्जी नहीं ली और इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो इसका टेम्परेचर तो गया बढ़ और इसका रहा कम, तो ये ज्यादा गर्म होगी इसके बजाय। तो व्हाइट एंड स्मूथ सरफेस होती हैं आपकी बैड अब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर। समझ में आ गया, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, है ना। अभिक्रिया ऊष्मा किस पे निर्भर नहीं करती है पूछा गया है। तो पहली बात तो अभिक्रिया ऊष्मा होती क्या है, ठीक है। देखो अभिक्रिया ऊष्मा का मतलब है कि कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई या फिर कितनी एनर्जी बाहर निकली। आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सो मतलब बाहर निकालना, एंडो मतलब अंदर लेना। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं वो किस पे निर्भर नहीं करती हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो आपको बता देता हूं डिटेल में, आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे आपका प्रोडक्ट बनना है उन पर डिपेंड करती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। आपका क्या बनना है, क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। परिस्थितियां पर डिपेंड करती हैं, लेकिन एक चीज होती है जिस पर डिपेंड नहीं करती और आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखो अभिक्रिया के ताप पर डिपेंड करती है, ठीक है, और आपका अभिकारक, अभिकारक मतलब आपके रॉ मटेरियल्स और उत्पाद आपके जो बनने वाला वो, उन दोनों पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। किसी पे भी की जाए, चाहे आपका प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट हो चाहे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, किसी पर भी की जाए आपकी अभिक्रिया उसमें पर डिपेंड करती है। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन एक है कि आपके उस पथ पर निर्भर नहीं करती जिसके द्वारा अपने ने अंतिम उत्पाद प्राप्त किया। कहने का मतलब यदि आपका कोई ए पदार्थ है वो चेंज हो रहा है बी के अंदर, तो चाहे तो आप इधर चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, ये जो आपका पाथ जो है ना, आपका रास्ता जाने का, इस पे आपकी जो अभिक्रिया ऊष्मा होती है, मतलब आपकी जो रिएक्शन हीट है, अभिक्रिया ऊष्मा, वो आपकी डिपेंड नहीं करती किस पे, उस पाथ के ऊपर, कौन से पाथ से आपने अभिकारक से उत्पाद बनाया, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्या डिपेंड नहीं करती, अभिक्रिया उसमें डिपेंड नहीं करती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाथ यानी पथ पे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस पे चल रहे हैं,
रिमाइंड कर देता हूं मैं हीट एंड टेम्परेचर पे बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो अच्छे वाले क्वेश्चन आपको बाद में लेके आऊंगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पहले क्लियर कर देता हूं मैं, आपका फाउंडेशन मजबूत कर देते हैं पहले, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि ठंड पड़ती है तो उस टाइम पाइपलाइंस क्यों फट जाती है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना। मान लो आपने आपके पास कोई बीकर है या फिर वेसल है, उसके अंदर यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया कि यहां तक पानी था भाई, ठीक है। आपने क्या किया, इस बीकर को या फिर वेसल को आपने फ्रिज में रख दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर, और बर्फ जमनी है तब तक छोड़ दिया, और जैसे आपने इस बीकर को बाहर निकाला बर्फ जमने के बाद में, तो आपको पता लगेगा कि जहां तक आपने मार्क किया था ना, जहां तक आपने मार्क किया था, बर्फ उससे ऊपर चली गई। तो यह कैसे हो गया, आपने तो पानी तो यहां तक डाला था, ये इससे ऊपर कैसे चली गई, ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये है, देखो पहली बात तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ यहां पे, बिल्कुल वॉल्यूम चेंज हुआ है, हालांकि उसका मास उतना ही रहा है, चाहे तो आप वाटर ले लो चाहे आइस ले लो, लेकिन कंसेप्ट क्या है, पानी जो होता है पानी वो जमने पर फैलता है, पानी जो होता है यानी कि पानी जमेगा तो क्या होगा, बर्फ बनेगी। बर्फ और पानी में कंपेरिजन करें तो पानी आपका कम और बर्फ ज्यादा जगह घेरती है, उतने ही मास के लिए, मास यहां पे कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, ध्यान देना। कहने का मतलब ये है कि पानी एक तो लिक्विड होता है और आइस क्या होती है आपकी सॉलिड, तो जब बात करते हैं H2O की, जब वो लिक्विड में होता है जब वो सॉलिड में होता है, तो उसी समान आपके मास के लिए द्रव्यमान के लिए सॉलिड जो होता है आइस होती है वो ज्यादा जगह घेरती है, उसका आयतन ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है, सर्दी के दिनों में क्या होता है, जब पानी ठंडा होता जाता है तो आपका फैलेगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी वो सारा का सारा बर्फ बन जाता है, और जैसे वो बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी पाइपलाइन का तो फिक्स है, पाइपलाइन जितनी पहले थी उतनी अब है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर था वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे प्रेशर मारेगा, ऐसे प्रेशर मारेगा पाइपलाइन के ऊपर, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पाइपलाइन फट जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जो पानी था वो बर्फ बन गया, बर्फ बनते उसका आयतन बढ़ गया, वो फैलना स्टार्ट हो गया, और लेकिन आपका जो पाइपलाइन थी तो फिक्स है, वो तो आपकी एक्सपांड नहीं हो रही, मतलब आपकी पाइपलाइन पे प्रेशर पड़ेगा और पाइपलाइन जो होंगी आपकी फट जाएंगी। तो सर्दियों के दिनों में आपका जो पाइपलाइन होती है वो क्यों फट जाती है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, क्या बताया मैंने, जमने पर यानी कि बर्फ जब बनती है तो वो पानी क्या होता है, फैलता है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जब आप बर्फ को बहुत ही एक तरह से देखते हैं, उसको ढंग से देखते हैं, तो आपको पता है कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वॉइड पाए जाते हैं, वॉइड मतलब एक तरह से उसके अंदर आपको पता है कि जगह खाली रह जाती है, समझ आ गया, तो आपका पानी था, जैसे आपने बर्फ के यदि आप ब्लॉक को देखते हैं, बर्फ के ब्लॉक को, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर छोटे छोटे वॉइड जरूर हैं, ऐसे छोटे छोटे आपके होल हैं, और वो होल में क्या है, आपकी एयर है, दैट मींस पहले वो वहां पे वॉइड थे नहीं, पहले वहां पे होल नहीं थे, लेकिन अब हो गए, दैट मींस उसने कुछ जगह ले ली ना, तो जगह ले ली मतलब आपने वो उसको एक्सपांड कर दिया, तो बर्फ होती है ज्यादा जगह घेरती है और पानी कम जगह घेरता है सेम मास के लिए, ठीक है। जमने पर पानी फैलता है, इसके कारण आपकी जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजे पानी का हिमांक बिंदु है, पहली बात तो यहां पे ताजा पानी क्यों बोला, फ्रेश वाटर ही क्यों बोला, ध्यान देना, आप जब वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं, है ना, वाटर के अंदर इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उसका हिमांक बढ़ जाता है, तो यहां पे फ्रेश वाटर बोला है, फ्रेश वाटर का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो कब जमता है, वो जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। हिमांक का मतलब होता है कि कब वो फ्रीज कब होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको साफ साफ बता देता हूं मैं, इसमें एक वर्ड हो रहा है बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो आपका पॉइंट, वो आपका टेम्परेचर पॉइंट जहां पे आपका जो पानी होता है वो उबलना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज फॉर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पानी का टेम्परेचर रीच करता है, आपने गर्म किया, करते 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 जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, उस पर पानी आपका उबलने लग जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट इज बीपी फॉर वाटर यानी बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको आपको एमपी भी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको बताया कि इस पर जमना स्टार्ट हुआ तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाती है आपका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो पानी का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एमपी और एफपी दोनों बराबर होते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको केल्विन में चेंज करते हैं, केल्विन में बता देता हूं मैं, केल्विन चेंज करने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ता है, तो आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। आपके ऑप्शन में ये हो तो ये भी सही है, ये हो तो ये तो सही है ही है ही, यदि ये नहीं ऑप्शन में तो ये जरूर मिलेगा, तो आपको टेम्परेचर कन्वर्जन में आना चाहिए जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है आपका, 273 केल्विन, और इसको चेंज करेंगे तो वो इधर ऐड कर देंगे तो जाएगा 373 केल्विन। आपको सिंपल पता होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ऐड करना है 273, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं,
शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जितना भी आपका जो भी हवा सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। तो आप लोग मान लो कि यहाँ पे आपका हेडपंप लगा हुआ है, तो इसके नीचे आपका वाटर है और मान लो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन में जैसे अभी बात करें तो आपका टेम्परेचर चल रहा है लगभग आपका 2-3 आपका डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मुझे बताओ आपको यदि उस हेडपंप से पानी निकालोगे जब आपका विंटर सीजन है और आपका एटमोस्फेयर का टेम्परेचर चल रहा है 2-5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो मुझे बताओ ये पानी आपने निकाला जिसका टेम्परेचर फिक्स है, उसका चेंज नहीं हो रहा, 20 है तो 20 ही है और आपका बाहर का 5 है या 10 है, मतलब कम है बाहर, तो आपको ये पानी गर्म लगेगा ठंडा लगेगा? ऑब्वियस है कि आपको ये पानी गर्म लगेगा बिकॉज उसका टेम्परेचर 20 है, आपका बाहर का कितना है 2, 3, 5 है। तो बाहर के का मतलब ये नहीं कि मैं आपका बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, आपका बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर फिक्स होता है, फिक्स रहता है चाहे कोई सा भी सीजन चल रहा हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट मैं बात कर रहा हूं आपके सराउंडिंग्स की, ठीक है। उस टाइम यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है और आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अंदर से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, आपको पानी गर्म लगेगा। लेकिन यही बात यदि मैं बात करूं, बाहर आपका समर सीजन चल रहा है ना, तो उस टाइम आपका जो बाहर कितना टेम्परेचर होगा लगभग आपका 30-35-40 के आसपास होगा, ठीक है। और उस टाइम यदि आपने हैंडपंप का पानी निकाला जो कि उसका टेम्परेचर तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, 20 का 20 ही रहेगा, ग्राउंड के अंदर आपका जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। तो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अब निकाला, सराउंडिंग्स का था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको ठंडा लगेगा गर्म लगेगा? आपको ठंडा लगेगा इस टाइम, मतलब पानी वही था, पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही था लेकिन आपको ठंडा भी लग रहा है गर्म भी लग रहा है, कब? जब आपका सराउंडिंग्स में टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन था अपने पास, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है तथा जल गर्म प्रतीत होता है, मतलब आपका जो आउटसाइड टेम्परेचर होगा कितना होगा, जितना सराउंडिंग का है, आपका 10 है, पानी आपने 20 का निकाला तो आपको ऑब्वियस गर्म लगेगा। समझ आ गया कंसेप्ट? समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। कंसेप्ट था कि आपको शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों लगता है, क्योंकि आपका शरीर तो ठंडा होता है और पानी का टेम्परेचर आपसे ज्यादा है तो आपको गर्म ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, मतलब आपको पता है कि जो आपकी लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, वो जम जाती, मतलब वहां पे आपकी बर्फ की चादर जम जाती है, आपकी एक तरह से बर्फ हो जाती है, आइस हो जाती है वहां पे। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आइस हो गया नीचे तक, नहीं, वो कुछ आपके सेंटीमीटर मान लो, कुछ इंचेज मान लो, ठीक, कुछ फीट मान लो, इतनी ही बर्फ जमती है लेकिन उसके नीचे वाटर होता है, उसके नीचे वाटर होता है। समझ में आ गया भाई? आपकी पूरी बर्फ जम जाएगी तो नीचे वाले जीव कहां रहेंगे, वो तो मर जाएंगे फिर। ऐसा नहीं है, बर्फ जमती है सिर्फ टॉप पार्ट पे, चाहे तो वो 1 फीट मान लो चाहे उससे कम मान लो, इतने नीचे पानी रहता है। तो यहां पे देखो ऑप्शन क्या हमने पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाएंगी, आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाएंगी, लेकिन यहां पर 0 नहीं होगा टेम्परेचर आपका, यहां पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होता है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 0 सब सिर्फ और सिर्फ इसका होता है जिसके कारण आपका जो ऊपरी सतह होती है वो आपकी क्या होती है, जम जाती है। झीलों की ऊपरी सतह जमती है, कहने का मतलब ऐसे आपकी पट्टी जम जाएगी लेकिन उसके नीचे वाटर होता है और उसके नीचे वाटर है तो उसका टेम्परेचर 0 तो नहीं है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, लेकिन इसका यदि 0 हो सकता तो इसका 0 नहीं होगा। झीलें क्यों जमती हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 0 हो जाता है, 0 या 0 से कम हो जाता है तो पानी जम जाएगा, लेकिन पानी पूरा नहीं जमेगा, यानी पूरी डेप्थ तक नहीं जमेगा, आपका कुछ तक पानी जम जाएगा, यानी बर्फ की एक तरह से सीली बन जाएगी, लेकिन उसके नीचे क्या होगा, आपका वाटर होगा और इसका वाटर है, दैट मीन्स वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा 1 मिनट है। देखो यहां पे मैंने आपको बताया था वर्क पावर एनर्जी में, आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि किलोवाट आवर के बारे में पूछा गया यहां पे। तो किसकी यूनिट आपको बताएं, किसकी है, आपकी एनर्जी की या फिर वर्क की, ऐसे मान लो। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन पास ऊर्जा, शक्ति, बल और संवेग, यानी कि आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति यानी पावर, बल यानी फोर्स, संवेग यानी मोमेंटम, है ना। तो पहली बात तो ये कि वोट को देखते ही आप टूट मत पड़ना कि ये पावर की यूनिट है, क्योंकि आपको बता कि पावर में वोट आता है ना भाई, पावर में क्या आता है, वोट आता है, पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है। और जैसे आपने वोट देखा भाई, वोट तो पावर में आता है, तो आप बस टूट के पड़ोगे, पावर ऑप्शन हो जाएगा, जबकि पावर गलत है यहां पे। किलोवाट आर में आपको वोट तो दिख रहा है, लेकिन मुझे तो एच भी दिख रहा है, मुझे एच भी दिख रहा है, मतलब आर्स भी दिख रहे हैं, तो आपका वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। और मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम टू टाइम कट जाएगा, तो जूल ही तो बचेगा। तभी मैं आपको बोलता हूं कि आपको यूनिट का कन्वर्जन भी आना चाहिए, यूनिट को तरह से समझो कि यूनिट क्या चीज होती है ना, उसको रटना नहीं है कि किलोवाट आवर रट लिया मैंने, नहीं,
आपने देखा कि किलो को छोड़ दो क्योंकि वो तो आपको 10^3 देता है, आपके पास है वॉट इंटू आर, आर को मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, वॉट होता है आपका जूल पर सेकंड और ये आपका सेकंड से मल्टीप्लाई है तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, जूल बचेगा। और 100 बार बता दिया कि जूल किसकी एनर्जी, आपकी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की या फिर वर्क की, ऑप्शन में एनर्जी है, आपका राइट आंसर क्या होगा, किलोवाट आर के लिए एनर्जी। और किलोवाट आर का मतलब क्या होता है, यदि कोई अप्लायंस है जो कि आपका 1000 वॉट का है, यदि कोई अप्लायंस घर के अंदर 1000 वॉट का है, इस 1000 को कैसे बैलेंस कर लो, चाहे दैट मींस चाहे आप ऐसे कर लो कि आप अप्लायंस आपके पास 10 है और वो 100 वॉट के हैं, समझ में आ गया, तो 1000 को कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं आप, यदि 1000 वॉट को 1 घंटे चलाया जाए तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर, समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर होता है, सीधी सी बात है, क्या बात कर रहे हैं यहां पे, रफ कर रहा हूं इसको, आपको पूछा है वो पाठ्यांक मतलब वो आपका टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में और फॉरेनहाइट में बराबर होता है। पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर कन्वर्जन आपका होता है C/5 F-32/9 K- होगा, बिल्कुल K-273/5 √4। 4 यूनिट होती है टेम्परेचर की, 4 कौन कौन सी, सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, केल्विन एंड रूमियर। देखो आपकी मोस्टली यूज कौन कौन सी होती है, देखो रूमियर ज्यादा यूज नहीं होती लेकिन केल्विन और आपका डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा यूज होता है। पूछा क्या है कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पे आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट बराबर होते हैं। अब जब इनकी बात चल रही है तो मैं उनको क्यों लिखूं, है ना, उनको क्यों लिखना, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखना क्या होता है, बराबर करना मतलब मैं मान लेता हूं कि x पे बराबर होती है, तो मैंने कर लिया कि ये जी x पे बराबर होती है, सॉल्व करना है इसको, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इंप्लाइज दैट 9x = 5x - 160 एंड x विल बी अवर -40 डिग्री, दैट मींस आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो चाहे तो, और चाहे -40 डिग्री फॉरेनहाइट बोल दो, एक ही बात है, यानी इस जगह आपका हॉटनेस और कोल्डनेस कुछ भी है वो बराबर होता है, समझ आ गया, ये दोनों चीज बराबर हैं, चाहे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो चाहे -40 डिग्री फॉरेनहाइट बोल दो, दोनों बराबर चीज है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर -40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फॉरेनहाइट। मान लो इसका मतलब क्या है, एक आपके पास कोई ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है आपके पास, एक का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का है -40 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, तो जब आप दोनों को टच करोगे ना आपको सेम एक तरह से फीलिंग आएगी, दैट मींस क्योंकि वो दोनों बराबर है, वो दोनों बराबर है नंबर में भी और आपकी इंटेंसिटी में भी, अब मैंने आपको यहां पे निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, ठीक है, बात की गई है रेफ्रिजरेटर की, आपको पता है रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं खराब नहीं होता क्यों, आपको पता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जीरो तो नहीं बोल सकते, जीरो तो सिर्फ फ्रीजर का होता है जहां पे बर्फ जमती है उससे कम होता है, लेकिन जो बाहर का होता है जो आपके और पार्ट होते हैं उसका 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो खाना क्यों नहीं खराब होता, देखो खाने को खराब करने के प्रति उत्तरदायी कौन है, खाने को फिर से स्टेल करने के लिए, स्टेल मतलब उसको थोड़ा गंदा करने के लिए कौन उत्तरदायी है, बैक्टीरिया एंड साथ में भी कौन होता है, साथ में होता है फंगस, ये आपके एक तरह से जीव हैं जो खाने को थोड़ा स्टेल करते हैं, स्टेल का मतलब उसको अनफ्रेश करते हैं, पहले फ्रेश होता खाना फिर धीरे धीरे आपका तो सड़ता जाता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैक्टीरिया एंड फंगस। अब ये जो होते हैं ना, ये यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो अच्छा वर्क करते हैं मतलब सक्रिय होते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते करते जीरो के आसपास कर दोगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, यानी ये काम करना बंद कर देंगे, कौन कौन, बैक्टीरिया एंड फंगस। दैट मींस आपने टेम्परेचर कम कर दिया और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, दैट मींस आपका खाना था वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा, किस कारण से, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस ने अपना काम करना बंद कर दिया, वो आपके निष्क्रिय हो गए, डिसेबल हो गए। ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद, इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और फंगस को बोलते हैं फफूंद, ठीक है। तो निम्न तापमान पर, निम्न तापमान मतलब एक तरह से लोअर टेम्परेचर होता है ना, लोअर, आपको पता है रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका टेम्परेचर होता है लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, फ्रीजर को छोड़ के, फ्रीजर का होता है माइनस में तो तभी तो बर्फ जमती है ना, निम्न तापमान क्यों होता है,
वो होता है बैक्टीरिया एंड फंगस, जीवाणु और फफूंद, वो आपके निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मतलब डिसेबल, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये निष्क्रिय हो गए, खाना फ्रेश का फ्रेश रहेगा, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट अपने पास जल का क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट आपका, जहां पे पानी उबलता है, ठीक है, क्वथनांक उसको बोलते हैं। जल का क्वथनांक हाइट पे कैसे डिपेंड करता है? हाइट मतलब जैसे बात करते हैं ग्राउंड पे और जैसे जहां ऊपर जाते हैं वैसे, ध्यान देना, ये वहां पर ग्राउंड था, ठीक है, यहां पे कोई आपका मतलब कोई आप पानी उबाल रहे हो तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना तो आपका बीपी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक वो कम होता जाएगा। तो बोला जा रहा है कि किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अंदर क्या है, किस कारण से घट जाता है आपका बीपी जो है वो किस कारण से घट गया, ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर। निम्न तापमान के कारण, ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान के कारण या फिर उच्च वायुमंडलीय दाब। देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास पी वी अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसमें यदि आपको मैं वी हटा दूं तो पी और टी में रिलेशन आता है कि पी और टी आपके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, तो यहां पे टेम्परेचर कम हो रहा था दैट मींस उसका प्रेशर भी कम हुआ है, और प्रेशर की बात मतलब यहां पे कौन सा प्रेशर है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको हाइट पे जाओगे आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर कम हो जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसके कारण उसका जो क्वथनांक है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी कोई भी वस्तु है उसको पानी में डुबाया जाता है तो आपका जो सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आपके पास कोई बीकर है उसमें पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, इसके अंदर कोई बॉल डाल दी, तो बॉल कितना पानी विस्थापित करेगी, बॉल कितना पानी विस्थापित करेगी आपको क्या पता चलेगा, जितना बॉल का वॉल्यूम है, जितना बॉल का आयतन है उतना ही तो पानी विस्थापित करेगी। तो कंसेप्ट यहां पे यही है कि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉल को या फिर कोई वस्तु है सॉलिड, उसको यदि आप इसके अंदर डालते हो पानी के अंदर तो वह अपने आयतन के समान पानी आपका विस्थापित कर देता है, उसको वहां से हटा देता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, जितने आपका बॉल का वॉल्यूम है दैट मींस जितनी आपकी बॉल स्थान घेरती है ना उतना ही पानी आपका विस्थापित हो जाएगा, बिकॉज उतनी जगह वो खुद ले लेगा। आपने बॉल डाली, बॉल यहां पे आ गई तो कुछ पानी आपका लेवल ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉल ने भी कुछ स्थान घेर लिया है, तो बॉल ने अपने आयतन के मात्रा के समान पानी विस्थापित कर दिया। यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, है ना, ये बिल्कुल सही, कौन से टेम्परेचर पे है, 0 पे 4 पे डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी। देखो सीसी क्या है ना, ये तो आपने सुना ही होगा कि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है, बाइक का इंजन है, वो 350 सीसी का है, 200 सीसी का है, ऐसे सुना होगा 150 सीसी का। सीसी को बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मींस सेंटीमीटर क्यूब, और जिस भी मीटर के ऊपर क्यूब लग रहा है दैट मींस वो वॉल्यूम की आपकी इकाई है, है ना, तो आपके इंजन का वॉल्यूम बताता है वो सीसी, दैट मींस आपके इंजन में कितना आपका ऑयल आ सकता है एक टाइम में, है ना, वो बताता आपको कौन, सीसी। तो 1 ग्राम पर सीसी दैट मींस एक आपका सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 ग्राम आपका जल होना, यह आपकी क्या हो जाएगी, जल की डेंसिटी। तो ये कौन से टेम्परेचर पे होती है पूछा है, कौन से टेम्परेचर पे, ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु। ये आपका बताता हूं क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को माना जाता है रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना जाता है, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 माना जाता है, और 100 क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। ये होता है आपका, इतनी डेंसिटी होती है, आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो तापमान है जिस पर आपका जो वाटर होता है उसका डेंसिटी, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी
मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आपके पास में एक बीकर के अंदर, ठीक है, और एक बीकर के अंदर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, मतलब कि कम जगह कौन घेर रहा है, ये वाला, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा डेंस होगा, तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे मैक्सिमम ही होती है, दैट मींस इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या हो जाएगा 277 केल्विन, ये आप चेंज कर सकते हो, नो डाउट। सो इसका आंसर क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस मान लो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड चलना आपको, और आपको जाना 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में, आपने क्या किया, वाटर गर्म करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे 4 पे जाएगा ना, तो 4 पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर घटना स्टार्ट कर देती है, अपने आप चली जाएगी, फिर घटती घटती कम हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आपका जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो पाठ्यांक होता है उस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज 1 ग्राम पर सीसी, और क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना भी होता है, ठीक है, ये भी आपका होता है और ये भी आपकी एक ही बात है दोनों। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब डेंसिटी इस टाइम मैक्सिमम है, जब इस टाइम डेंसिटी मैक्सिमम है, तो कौन सी चीज मिनिमम होगी, डेंसिटी होती है m बाई v, और जब v कांस्टेंट है दैट मींस d प्रोपोर्शनल 1/v, यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में आपके कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इनको, है ना, ठीक है। तो इस टाइम यदि डेंसिटी मैक्सिमम है तो आपका वॉल्यूम मिनिमम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकते हैं, कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और कौन से टेम्परेचर पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, सीधी सी बात है, इसका आंसर एक शब्द में आएगा, डेंसिटी कारण। जो चीज आपके कम डेंसिटी रखती है, कम घनत्व रखती है, वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट होती है। जैसे बात करता हूं मैं एक तरह से हॉट एयर की, ठीक है, हॉट एयर, जैसे किचन होता है, किचन में रसोईदान ऊपर ही क्यों होता है, क्योंकि पता है कि जो हॉट एयर होगी वो खिड़कियों से बाहर नहीं निकल सकती, उसको जगह चाहिए ऊपर, क्योंकि वो हॉट है, डेंसिटी कम होगी और ऊपर उठेगी, इसलिए उसको रसोईदान चाहिए बाहर निकलने के लिए। दैट मींस कोई भी चीज की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर जाती है। तो आपके जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो कहां होते हैं, ऊपरी होते हैं ना, तो ऑब्वियस है कि उनकी डेंसिटी कम होती है, इसी कारण वो आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं कि वो बादल तैर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, अधिक जलन का मतलब है कि आपका बहुत गर्म पानी है, ठीक है, उससे आपका ज्यादा शरीर जलेगा या फिर आपकी भाप से, क्वेश्चन तो यही होगा, कंफ्यूजन कहां होता है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, या फिर पिघली हुई प्लावी बर्फ, तो बर्फ तो उसको हटा देता हूं, बर्फ से कोई जलन पैदा नहीं होती, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी और भाप, ध्यान देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर होता है वो आपका उबलता होता है, ठीक है, और गर्म पानी तो इससे कम ही होता है, तो उसको हटा देता हूं मैं, तो कंपैरिजन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता पानी या फिर आपकी स्टीम यानी कि वाष्प। तो आपको पता है कि मैं मान लेता हूं कि इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टीम का भी, तो अब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो क्या दोनों से एक तरह से बोल सकते हैं कि बराबर आपकी जलन पैदा होगी, इसकी ज्यादा होगी या फिर इसकी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ज्यादा नुकसानदायक कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी स्टेट चेंज होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। जब आपकी अवस्था में परिवर्तन होता है ना, आपने पानी बर्फ से पानी बनाया, पानी से आपकी भाप बनेगी, तो उसमें आपकी जो फेज चेंज हो रही है उसमें आप एक एनर्जी और देते हैं, कौन सी वाली, दैट इज कॉल्ड गुप्त ऊष्मा, और आपकी हो जाएगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का काम सिर्फ यही होता है कि वो फेज चेंज करती है, दैट मींस वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, लेटेंट हीट कभी भी आपकी टेम्परेचर इंक्रीज में काम नहीं आती, टेम्परेचर इंक्रीज में काम कौन आती है, सेंसिबल हीट SH, और ये होती है आपकी LH, ये होती है टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ये करती है आपकी फेज चेंज, समझ में आ गया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हुई, मुझे बताओ टेम्परेचर चेंज हुआ, बराबर है, सिर्फ वाटर से स्टीम गया, दैट मींस आपने वाटर से स्टीम तो बनाया लेकिन आपने यहां पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, दैट इज LH, मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है इसके बजाय, समझ में आई बात, तो भाई इसमें आपकी फेज चेंज हो गई, तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है, कौन सी वाली एनर्जी ज्यादा है, लेटेंट हीट। तो मुझे बताओ जब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस इसके पास हीट ज्यादा है, और जब इसके पास हीट ज्यादा है तो आपको ज्यादा हार्म कौन करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम ज्यादा आपको हार्म करेगी, झुलसा देगी, बजाय इसके कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के ऊपर।
समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि सेंसिबल हीट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इंक्रीज करने काम आती है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपकी लेटेंट हीट होती है वो सिर्फ आपका टेम्परेचर इंक्रीज बिल्कुल नहीं करती है, वो आपकी फेज चेंज करती है। तो जो भाप होती है उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी है, कौन सी? लेटेंट हीट, जो आपने इसको गिवन करी है। तो ये ज्यादा आपको कम हार्मफुल है या आपकी ज्यादा हार्मफुल है? देखो हार्मफुल तो ये भी है, दोनों कंपेयर करते हैं तो आपको ज्यादा झुलसाएगा कौन? स्टीम। और टेम्परेचर मैंने वैसे बराबर किया है, तो यदि इसका टेम्परेचर ज्यादा भी हो, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो तो फिर तो श्योर है कि यही है। लेकिन जब कंफ्यूजन होता है कि जब टेम्परेचर बराबर हो तो भी यही है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सिमिलर है आपका, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, तीन तरीके से होता है। एक आपका होता है चालन, चालन का मतलब आपका कंडक्शन, चालन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड्स में होता है, ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड में होता है। दूसरा आपका क्या होता है? संवहन। क्या होता है? संवहन। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन मोस्टली होता है आपका लिक्विड्स एंड गैसियस में। देखो ये होता है सॉलिड में, क्योंकि ये सॉलिड में क्यों होता है पता आपको? इसको चाहिए कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बिना आपका चालन नहीं हो सकता। दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएंगी तो ही चालन होगा, तो ही कंडक्शन होगा। समझ में आ रहा है? और मोस्टली सॉलिड में होता है। संवहन होता है, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट में लेने की जरूरत नहीं है। संवहन का मतलब कन्वेक्शन। ये होता है आपका लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। और इसमें आपका हीट ट्रांसफर होता कैसे है? धाराओं के रूप में, फ्लोज के रूप में। आपकी संवहनी धाराएं होती हैं, आपको पता है पानी गर्म कैसे होता है, ये आपको गर्म करते हैं तो ये वाला ऊपर जाते हैं, ये वाले नीचे आते हैं, ऐसे आपकी धाराएं चलती रहती हैं, साइकिल चलता रहता है, उसमें आपका पानी गर्म होता है। तीसरा अपना प्रकार है कौन सा? रेडिएशन का। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? विकिरण। क्या होता है? विकिरण। इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, न सॉलिड न लिक्विड न गैस, आपकी सनलाइट है वो अपने पास आती है, कोई माध्यम है बीच में? बिल्कुल, स्पेस में कोई माध्यम नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो वहां से भी यहां आगे मतलब उसको कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किस फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उसके कारण अपने को हीट ट्रांसफर होता है, अपने पास हीट आती है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा देखना, निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? लिक्विड एंड गैस में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन केवल ध्रुवों और गैसों में। लिक्विड और गैस के अंदर आपका संवहन होता है, सॉलिड के अंदर आपका क्या होता है? एक तरह से चालन होता है। और इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, रेडिएशन को, यह आपका निर्वात में चल सकती है, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताए थे, आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है, एल्कोहल थर्मामीटर वो क्या चीज है? तो आपको पता है कि एक होता अपने पास मर्करी वाला थर्मोमीटर, तो उसकी लिमिटेशन क्या है भाई? उसको छोड़ के हम एल्कोहल मीटर क्यों यूज कर रहे हैं? और एक तीसरा भी होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पायरोमीटर। कौन सा? पायरोमीटर। तीन मीटर हो गए मेरे पास। देखो मर्करी वाले की, पारे वाले की लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है? कि ये इसके टेम्परेचर रेंज फिक्स होती है, दैट मीन्स ये आपका -39 डिग्री सेंटीग्रेड से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे लेके लगभग आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना हो तो क्या ये यूज हो सकता है? नहीं यूज होगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आपका मर्करी उड़ जाएगा, मर्करी नहीं बचेगा तो आप मेजर क्या करोगे? उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आपका पायरोमीटर आता है। जो आपकी भट्टियां होती हैं जहां पे आपका तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, वहां पे आपका कौन सा मीटर काम आएगा? पायरोमीटर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर से ज्यादा रेंज पे आपका ये वाला काम आएगा। और इससे कम पर, क्योंकि इससे कम करोगे तो मर्करी तो जम ही जाएगा, और जब मर्करी जम जाएगा तो रीडिंग क्या बताएगा? तो उससे कम पे एल्कोहल काम आता है, एल्कोहल को आप थर्मोमीटर के अंदर डालते हैं, दैट मींस कि एल्कोहल का जो आपका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां तक ये मेजर कर सकता है। तो बहुत ही न्यूनतम ताप को मेजर करना है तो एल्कोहल काम आता है, एल्कोहल मीटर काम आता है। देखो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम, सबसे लोवेस्ट ऑप्शन है एल्कोहल, आपका पारा वाला, आपका इसमें हो जाएगा एक पायरोमीटर। तो आपको पता है कि जो एल्कोहल होता है उसको आप यूज करते हैं निम्नतम आपका जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, निम्नतम टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको एल्कोहल वाला यूज करना पड़ेगा। ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे हीट के ऊपर, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा भी देता हूं पहले ही, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे वो आपको बताना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो याद का अपना सेशन था, होपली आपको समझ में आया होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।